अंदर जा रहे हैं। कर्नाटक के बीदर शहर में एक ऐतिहासिक मदरसा और मस्जिद में जबरन घुसकर नारेबाजी करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अभी फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक घटना गुरुवार 6 अक्टूबर रात करीब 2 बजे के आसपास में हुई है। आरोप है कि कुछ लोग दशहरा के मौके पर महमूद गेवान मदरसा और मस्जिद में ताला तोड़कर और सुरक्षा कर्मियों को धमकाकर अवैध रूप से घुस गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि मस्जिद में प्रवेश करने के लिए ताला नहीं तोड़ा गया है। हालांकि जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका कहना है कि दशहरे के मौके पर कुछ लोग यहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने यहां पर एक कोने में पूजा अर्चना भी की है, साथ ही यहां पर जमकर नारेबाजी की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम समाज काफी नाराजगी जाहिर कर रहा है। ये लोग किसी के गुस्से से नहीं आए हुए, एक उनके अंदर गुस्से के साथ साथ ये खौफ भी है कि आज हमारी मस्जिद पे हमला करे, कल हमारे घर का मुहाफिज कौन है, कल हमारे घर की गारंटी कौन लेते, कल हमारे घर की औरतें जो दूर दराज पढ़ने लिखने जा रही है उसकी गारंटी कौन लेते। और एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब अपने एक्शन से देना होगा। और बच्चे गुस्से में हैं, बच्चों को हमने सबको रोक के रखा है, बच्चे गुस्से में भी हैं और बच्चों की अपनी फिक्र है और जायज़ फिक्र है, क्योंकि हमारी मस्जिद जो शहर के बीचों बीच है, पुलिस की निगरानी में मस्जिद के अंदर घुसकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मीनार के ऊपर उसकी बेहरमती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे बच्चों का जिम्मेदार कौन है कि हमको हिंदुस्तान में रहने के बाद कि हमारे को जो हकूक है वो है या नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करना होगा। पुलिस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है कि वो इसको सिक्योरिटी देने में नाकाम रहा, और उसके बाद फिर जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट जिसने जो है ना आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर से चाबी मंगाकर उनको दरवाज़ा खोलकर अंदर आकर पूजा करने की इजाज़त दी, ये भी बिल्कुल गलत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि दरगाह सैयदुल सादात रहमतुल्लाह अलैह है, वहाँ पर दरगाह है, इस बात का जो है ना कोई शक नहीं है। उस दरगाह के उर्स के लिए, संदल के लिए हम जाते हैं तो पुलिस अपनी तरफ से सोमोटो FIR करते हुए अब तक 8 मरतबा मेरे ऊपर FIR की है और 8 मरतबा वो लोग केस बुक कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसा कोई मामला यहाँ पर एक मखसूस कम्युनिटी के साथ होता है तो पुलिस जो है ना अपनी आंखें मूंछ लेती है और जो है ना इसको नज़रअंदाज कर देती है। आज शहर बीदर के सारे नौजवान बहुत मुश्तैल थे और सभी ने इश्तेहाल में आकर पुलिस स्टेशन पर जो है ना वहाँ पर अपना दबाव बनाया और पुलिस अथॉरिटीज़, एडिशनल SP, DSP सभी जो है ना वहाँ पर आए, आकर जो है ना उन्होंने इस बात का तयकुन दिया कि हमारी कंप्लेंट के ऊपर सबसे पहले वो जो है ना FIR करेंगे और UAPA के तहत ये जो शरपसंद लोग हैं जो शहर की फिजा को ख़राब करना चाहते हैं, ये जो पूजा करे हैं इसको वही लोग वीडियो बनाकर वही लोग वायरल किए हैं ताकि यहाँ शहर में अमन अमान को बर्बाद किया जा सके। इसके लिए उन लोगों को गिरफ्तार करना और उनको सख्त से सख्त सजा देने का डिमांड हम लोगों ने किया है।